जिनके गुणों के गान वर्धमान महान चरण हमारे। समय सार पेज नंबर 351, कलश नंबर 155। ये सात भयों की चर्चा करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने 6 श्लोक लिखे हैं। उनमें ये सबसे पहला छंद है जिसमें इस लोक भय और परलोक भय की चर्चा की गई है। ये सात भयों का संक्षेप स्वरूप पहले अपने ख्याल में आ जाए तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है वो समझने में अपन को बहुत सुविधा रहेगी। ये पेज नंबर है ना आपके पास किताब, 290 नंबर पर पेज पर निकालो। बनारसी दास का छंद है, इसमें सात नयों शब्द भयों का नाम है और उनकी साधारण परिभाषा भी है, वो अपने एक बार पढ़ लेते हैं। भव भय परलोक भय मरण वेदना जात दशदा परिग्रह वियोग चिंता हमारो को नाही अने रक्षा भय चोरे भय विचारे अने गुप्त मन मानी अने चिंतो अब ही अचानक कहा तो होई ऐसो भय अकस्मात जगत में जानिए। ये तो सात नाम हैं कि ये भव परलोक भय मरण भय वेदना भय अनरक्षा भय अगुप्ति भय और अकस्मात भय। ये सात भयों के नाम हैं और ये परिभाषाएं हैं कि दशधा परिग्रह वियोग चिंता। इस भव में मैंने 10 प्रकार के जो परिग्रह जोड़े हैं, जो 24 की बात नहीं करते, जो बाह्य परिग्रह संयोग रूप है ना, और वे अंतरंग 14 परिग्रह तो संयोगी भाव रूप हैं। तो ये जो मैंने जोड़े हैं 10 प्रकार के परिग्रह, धन धान आदि है ना, समझ लो जो हमारी संपत्ति है सब, जैसे हम मानते हैं सब, इसका वियोग ना हो जाए, इसका नाम है इस लोक भव, यह लोक इस लोक ये लोक भव, इस लोक भव इस भव में अब मेरी जो इज्जत है, अभी तक मैंने जो परिग्रह जोड़ा है, अब बहुत 24 घंटा खतरा रहता है, बाद कोई चोर डाकू चक्के बिना ले जाएं, और फिर गवर्नमेंट के सेल्फ टैक्स इनकम टैक्स वाले ये ना ले जाएं, फिर भाई बंद ना ले जाएं, फिर ये संस्था वाले बहुत बहुत भय चारों तरफ से चेंट जाते हैं सबके सब, क्यों? तो निरंतर ये मेरे 10 प्रकार के परिग्रहों का वियोग ना हो जाए, इस भय का नाम है ये लोक भय। और अब परलोक में दुर्गति गमन न हो जाए, अब इसके रहने से गारंटी से दुर्गति होनी है। कल बताई थी ना बहु धंधी बहु दुखी, और वो बहुवार में परिग्रह से नारकसायुषा, ये सब बताया था कल विस्तार से। अब वो इस परिग्रह इस भव में बढ़िया से बढ़िया बने रहे, सारे पाप परिग्रह पाप है ना, और उसका उपभोग भी बना रहे, ये बिखर ना जाए ये भय, और परभव में नरकादि गति में न चला जाऊं, इस बद्धर से कभी थोड़ा थोड़ा, जिसको रंजमात्र नहीं छोड़ना चाहता है, क्यों उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ता भी है। मैंने अमेरिका में सुना, सीतामर भाई थे एक पंडित, व्याख्यान में बोलते थे, देखो ऐसा बैंक जिसमें आपका पैसा कहीं भी खतरे में नहीं है, और जब चाहो आप मिल जाए, ऐसा बीमा कि जब आपके पहले ही 30 वर्ष के हो बुढ़ापे में मिल जाए, आपके मरने के बाद बच्चों को मिल जाए, ये तो सब है इंतजाम, लेकिन आप
अपने पैसे को जमा कराओ और परलोक में मिल जाए, ऐसा बैंक मेरे पास है छाती टोक के। अगर हमें दान दे दो तो परलोक में तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि पंडित जी नहीं मिला तो मैं जिम्मेवार, आगे ले लेना मेरे से क्या है? लोग बहुत खुश होते थे, हाँ ऐसा बैंक है, ऐसा बैंक है, कितना बढ़िया तर्क दिया। देखो थोड़ा बहुत छूटता है तो वो परलोक भय की वजह से छूटता है, और इसमें इतनी धार्मिक संस्थान चल रहे हैं, ये नहीं होते तो ये नहीं चलते। ये लोग भय माने ये परिग्रह है, ये बिखर ना जाए, इसका नाम इहलोक भव, बनारसी दास जी लिख रहे हैं ना, और दुर्गति गमन भय परलोक भय मानिए, दुर्गति में गमन ना हो जाए उसको परलोक भय समझना, और प्राणनी को हरण मरण भय, ये 10 प्राण का कोई हरण ना कर ले इसका नाम मरण भय है ना, और रोगादि कष्ट है वेदना भय बखानिए, बीमारी ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए, कैंसर में तो बहुत तकलीफ होती है, तो छोड़ देना ये तम्बाकू वम्बाकू खाना, ये गुटका फुटका वो तो ठीक है, आपका कहना ठीक है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं साहब जिंदगी भर तम्बाकू खाई और उन्हें नहीं हुआ, और ऐसे भी लोग हैं कि जिनने सूंघी तक नहीं तम्बाकू और उन्हें गले का कैंसर हो गया, कैसे कैसे उदाहरण इकट्ठे करके लाता है खोज खोज के। ये भोग कोई छोड़ना नहीं पड़े और कैंसर हो ना जाए, घी छोड़ना न पड़े और हार्ट अटैक हो ना जाए, और सारी जिंदगी भी खा जाए। गुरुदेव सुनाते थे कि एक भाई का बेटा मर गया तो रोजाना पूरी खाता था, हलवा खाता था, रोटी कभी जिंदगी में उसने खाई नहीं थी, गुरुदेव सुनाते थे, आप लोगों ने सुना होगा उनके मुख से। और जब वो बेटा मर गया जवान, तो उस दिन घर में फिर वो नहीं बनी पूरी हलवा, रोटी उसकी थाली में रख दी तो टप टप आँख से आंसू गिरे, इस बात के बेटे के बेयोग के नहीं, आज मुझे रूखी रोटी खानी पड़े, तो गुरुदेव सुनाते थे। और मैंने भी देखे हैं, हमारे कई गांवों के नाम मुझे अभी जवान पे आ रहे हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हमारे बुंदेलखंड में रिश्तेदारों में कि उनने कभी जिंदगी में रोटी खाई नहीं, पूरी खाते 80-85 वर्ष में पूरी का नाश्ता करते हैं, इतनी उम्र हो गए लेकिन मैं 2 पूरी और दूध दही, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, और गाय का घी तो बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ तो शुद्ध होता है, समझ गया ना, रोग आदि घर खाने। और रक्षक हमारो को ना ही अनरक्षा भय, कोई हमारा कोई रक्षक तो है नहीं, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, ये कर दे वो कर दे, 24 घंटे निरंतर भय रहता क्या नहीं रहता है। जैसा उदाहरण आता है एक शास्त्रों में कि एक महाराज थे, साधु महाराज अजनियों के, उनका एक चेला था, तो वो रात भर कहते थे पोंगा दास जागते रहना जागते रहना, बहुत डर है, कुटिया में रहते थे, एक लंगोटी पहनते थे, चदरा ओढ़ते थे, कुछ था नहीं, भीख मांग के खाते थे ना, भीख मांग के अच्छा नहीं लगता तो और कोई शब्द आप समझ लेना, वो चेला कहे कि गुरु जी को काय का डर है, ये लुटने को यहाँ है क्या, चोरों का बहुत डर है, चोरों का बहुत डर है, समझा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गुरु जी कहीं लेटने में गए होंगे, और उसने फटाफट गुरु की कुटिया में उनके बिस्तर के नीचे खुदाई करी, उसने बहुत सोने चांदी की मोहरें मिली, लेके उसने उठा के जल्दी उसे पूर दिया, और बाद में कोई एक कुआ था बहुत दूर तो वहाँ डाल आया, फेंक आया उन्हें सब,
और फिर रात को गुरुजी ने कहा पोंगा दास जागते रहना, बहुत डर है कि गुरुजी आराम से सो, डर बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहा है मूर्ख, क्या कह रहा है? फिर बोला जागते रहना कि कोई डर नहीं है। कि क्यों नहीं है डर? कि मैं डर को बांध के इस कुएं में फेंका। क्या किया रे तुमने, क्या किया कि तुम्हारा यहाँ चारा है बिस्तर के नीचे जो माल मत्ता वो सब मैंने देखाया, कोई डर नहीं है। समझ गया ना? डर काहे का है बोलो, इसी का तो डर है ना। अनरक्षा काहे की है, अरक्षा काहे की है। तो एक बात मैं कभी कभी कहता हूँ, बहुत मार्मिक है, आप लोग विचार करना। अपना पेन खो जाता है, रूमाल खो जाता है, कभी टोपी खो जाता है, कभी कुर्ते ही खो जाता है, कभी कुर्ते के बटन खो जाते हैं। लोग समझते हैं कि हीरे के होंगे, होते तो नकली हैं अपने पास, समझे ना। तो अपन कितना दुख होता है, मूल्य से कर देंगे, क्या कीमत है? ये 10-20-25 रुपए की चीज़ है। एक रूमाल खो जाए उसकी ऐसी खोज होती है जैसी आत्मा की भई होती, तो अभी असंभव दर्शन हो जाता है। अरे भाई जितने दिन अपने पास रहना था रह गया, गया दूसरे रूमाल आ जाए, क्या है? एक 2 रुपए का पेन खो जाता है, सचमुच कितना दुख होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि ये दुख इतना हुआ, इस दुख को एक इकाई बना के रखो, समझना। अब अपना पास जितना भी परिग्रह है, वो जो खोया है उससे वो कितना गुना है वो गणित लगाओ। जो अभी नहीं खोया है अपने पास है वो कितना है? मान लो 1,000 रुपये खोया है और आपके पास 10 करोड़ रुपया हैं जो नहीं खोए हैं पद्मचंद जी, तो अब इतना ये खोया है तो ये जितना दुख हुआ है यदि वो सब खोएगा 10 करोड़ की संपत्ति, तो कितना गुणा दुख होगा? अब अपना अपना हिसाब लगा लो, जिसके पास जितना हो और उतने में कितना दुख हुआ और उससे सब खोएगा तो कितना दुख होगा, अपना अपना गणित लगा लेना। क्योंकि मुझे किसी का पता नहीं है कि किसके पास कितना है। तो मृत्यु का नाम, सब एक साथ खोने का नाम मृत्यु है। अब समझ में आई कि नहीं आई? वो मरने का जो दुख है वो मरने का नहीं है उत्तम चंद जी, ये सब चीजें एक साथ खोने का नाम, उसका नाम क्या है? तू है। लोग हमें इतने पेन भेंट दे देते हैं, इतने पेन भेंट देते हैं, घड़ियां पेन नॉल कितनी नहीं, लोग तो बहुत बुरा मानते हैं। अब हमारे पास रोजाना 2-4 पेन खोते हैं, जेब में लगाओ वो दूसरे दिन नहीं मिलता, तो वहाँ रखते हैं बाहर फोन के पास, 2 दिन में गायब हो जाता है। तो मैं कहता हूँ पत्नी से, काहे का डर? जितने खोते हैं उतने आते हैं, तुमने खरीदा है कभी 5 रुपया देकर के? काहे को रोती हो? ये तो सब जाना ही है, नहीं खोएंगे तो घर में पड़े रहेंगे। और ये तुम्हारे पेन कोई लेने वाला नहीं है, ये बच्चे भी फेंक देंगे, ये तुम्हारे कुर्ते कपड़े मपड़े इनको कोई पसंद नहीं है, इन्हें तो कोई होगा, इनके मतलब का माल तो लेंगे नहीं, तो ये सब ऐसे ही जाने वाला है। क्यों? अब ज्यादा दिन नहीं है, काहे का खोने का डर, काहे का दुख? सब विचार करें इस तरह से कि ये परिग्रह वास्तव में ये अपना इस सोकाल लेके आया है, इसमें कर्मोदय का निमित्त है, वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ख्याल में है ना। अब ये तुम्हें दुख हुआ ना खोने का, तो ये असाधा देवनी कर्म के उदय से मिला होगा, तुम्हें दुख दे गया, सुख तो कुछ दे नहीं गया, क्या क्या दे गया ना? दुख दे गया ना, ये सब जाने वाला है भाई साहब। ये ठाट बाट इज्जत मज्जत जो भी आपने इकट्ठी करी है सब कल्पना लोक में जो खड़े हुए हो, और मृत्यु माने बस आंखें बंद गई सब सुना। क्यों? अब समझ लो, यदि तुम्हें मृत्यु भय कम करना है तो क्या करना चाहिए सुरेश जी? कि ये जो जो चीजें तुम्हारी खोती हैं
उसमें यदि तुम्हें दुख जीरो हो तो मृत्यु का भय तुम्हें बिल्कुल नहीं रहेगा। और जितना कम कर सको करो, एक सेकंड विकल्प नहीं आना चाहिए मेरा कहना तो यह, खत्म हो गया ना, चप्पलें गई 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 रंगे पैर रहेंगे। अब इस भव में इतना पुण्य तो है कि आ जाएंगे एकदम फटाफट दूसरी बन के तैयार होकर के, क्यों नहीं मिलती है क्या? आते नंगे पैर रहना पड़ा। अब आप सबका, कोई मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, मैं सबका पूछता हूं, क्यों ऐसा है ना? फिर काय का विकल्प, फिर काय की खोज? ये जो तुम्हारी खोज की शक्ति है इधर लगाओ तो वो कुछ काम आएगी। प्राणनी को हरण मरण भय का अर्थ बता रहा था मैं, और रोगाधिक कष्ट भय वेदना बखानी है, रक्षक हमारो को नाई अनरक्षा भय। काय का रक्षक चाहिए तेरे को? जंगल में मुनिराज बैठे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और वहां शेर घूम रहा, सब में कोई भय नहीं है, क्यों? और तेरे को इतना इतनी सुरक्षा व्यवस्था, अंदर से तीन दर ताला लगाया, चटकनी लगी कि नहीं लगी ये ऐसे देखता है। और यदि एक दिन चटकनी न लग पाए तो मैं तो पहले सो गई थी, तुम बाद में सोए, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं। अरे क्या हो गया, क्या चला गया तुम्हारा? चला जा सकता था। अरे भाई अब नहीं लगी तो नहीं लगी क्यों क्या है? सोचो, विचार करो। चोर भय विचार अनगुप्त भय मानिए। अब मेरी चीज मैंने बहुत सुरक्षित रखी है, अब चोर ना ले जाए, चोर मैंने उसकी गुप्त नहीं रही, बात प्रकट हो गई। अन्य चोर भय कह दिया, लेकिन कोई चीज हमारी प्रकट ना हो जाए इसका नाम है अगुप्त भय। और केवल ज्ञानी को क्या सब प्रकट है? अंधा देखे जगत मुझे वो समझता हूँ ये कोई नहीं देख रहा है, जहाँ ऐसा मुँह करके बैठता है और वो समझता मैं दीवाल की तरफ मुँह है, मुँह है उल्टी तरफ। अनचिंतो अब ही अचानक कहाधो होई, ये बहुत मार्मिक है। अब सब कुछ नहीं है, ये सब ठीक ठाक हो गया, अब कोई अचानक आपत्ति ना आ पड़े, अचानक नहीं आ पड़े बस। ये अचानक नाम के भय के नाम पर करोड़ों का बीमा का व्यवसाय चलता है, क्यों? हम हर साल विदेश जाते हैं, 10-15 हजार रुपये बीमा के खर्च होते हैं, और एक पैसे का कम बीमा वहाँ होता नहीं, कुछ होता नहीं है। वो तो कहते बेकार गए पैसा, क्यों? कुछ हो जाता तो कुछ मिल जाता, टांग टूट जाती तो 2 लाख मिल जाते क्या, और हाथ कट जाता तो 1 लाख मिल जाता, सामान खो जाता तो $500 मिल जाते, तो कुछ तो हुआ नहीं। तो ये जितने ये बीमा हो रहे हैं, क्यों करते ना सब बीमा नाम का व्यवसाय जो है वो सब काय के भय से होते, अकस्मात भय। अभी कोई संभावना नहीं है, कोई बुढ़ापे में भयंकर बीमारी नहीं आ जाए, इलाज के लिए सारी जिंदगी भर रहे हैं, क्यों? और आ जाएगा कहीं ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो 2 लाख 10 लाख लगेंगे, कहाँ से लाएंगे, और 10 लाख की जगह 20 लाख चले गए, और कुछ तो हुआ ही नहीं क्यों? कहते अकस्मात अनचिंतो अब ही अचानक कहां धो होई, जिसको हम सोच नहीं सकते साहब, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उसको अचानक अकस्मात भय बोलते हैं। ज्ञानी जीव के ये सातों भय नहीं होते। अब वो लगाना सब श्रद्धा के लेवल की बात, अब एक एक गाथा में एक एक भय की चर्चा चलेगी। अभी जो अपन ने कलश पढ़ा उसमें इस लोक भय, ये लोक भय और परलोक भय की बात है। अब वो देखो क्या जवाब दे, अपन क्या समझते हैं कि ये लोक माने मेरा परिग्रह सुरक्षित रहे और परलोक माने मेरी दुर्गति भी ना हो, तो इन दो की गारंटी हो जाए, क्यों? कि परिग्रह भी कहीं जाएगा नहीं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें स्वर्ग में भी मिलेगा, तो हमारे दो भय से हम बच सकते हैं। ये हमको उपाय ये लगता है, और इसलिए हम सुरक्षा के भी बहुत बहुत उपाय करते हैं, आप जानते हैं ना, सब हमने भी बहुत किए हैं, चार चार चौकीदार रखे हैं, ये रखे हैं, फिर वो क्या लगाया है,
अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं ना, तो हमारी फिल्म बन रही है कि तुम बना रहे वो नहीं, एक और बन रही है, इधर तुम आकर के हमें धुआं झपटी करोगे तो वो आ जाएगी उसमें। सब जगह जहाँ तुम कुछ गड़बड़ करोगे सब जगह लग रही है। मैंने कहा क्या जरूरत है भैया इसकी, दादा आप नहीं समझते। अब जिस सब समझदार हो गए, हम ना समझ हो गए, तो इसमें मत बोलो आप, हमारे काम में मत बोलो, जो हमें करना है करने दो। क्यों, कितना, 1.5 लाख का तो खर्चा। अरे 1.5 लाख में कितना साहित्य घर घर जा सकता है। नहीं दान तो हम इसमें नहीं सुनेंगे दादा तुम्हारी, काय ना सुनोगे। तुम घूमने बाहर नहीं जाया करे, अरे क्या करें, तुम्हारी कैद में रहे, हम नहीं लेने वाले हैं। तो सुनो क्या कहते हैं, इस लोक का भय पर लोक का, ये इंतजाम हम करते हैं बहुत, और आप फिक्र मत करो। बहुत सेठ लोग आप हमसे कहते हैं आपको तो जितना काम करना हो करो, जितने विद्यार्थी पढ़ाना हो बढ़ाना हो पढ़ाओ, हम बैठे हैं ना, छाती ठोक के कहते हैं आप कोई घबराओ मत, घबराओ मत। कौन घबरा रहा है, हमें क्या है, 2 कम पढ़ेंगे चार कम पढ़ेंगे चार ज़्यादा पढ़ेंगे, हमें क्या फर्क, हमारा क्या फर्क पड़ता है। विकल्प है कि अधिक से अधिक पढ़ें नरेश भाई, कर रहे हैं। तो वो कहते कोई भी भय नहीं आ जाए तो वो इंतजाम करता है। अब आचार्य क्या कहते हैं, इहलोक भय परलोक भय से छूटने का उपाय क्या है। वो कहते हैं इहलोक भय में 10 प्रकार का परिग्रह और परलोक भय में नरक में ना चले जाएं। हमें ये दोनों, हम हैं ही नहीं, हम में आए भगवान आत्मा में ये दोनों हैं ही नहीं। क्या लिखा ना, ये लोक और परलोक से मेरा ना कुछ संबंध है। इनका जो होना हो सो हो ना, जिसे जहां जाना हो जावे ना, ये परिग्रह मेरे से। जरे हमारे पद्मचंद जी हमें समधी साहब है ना, उनने कहा था किन्ने, शशि भाई ने, कि ये टोडवा मल स्मारक हमारा है, हम छीन के हम घुस जाएंगे, तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, तुम क्या करोगे। गुरुदेव का है ना, फिर क्या करोगे तुम। उनका हम ये हम जब प्रवचन करना है तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ करें, सड़क पर बैठ के करेंगे। क्यों, और फिर तुम यहाँ बीड़ी का गोदाम बना देना, क्या करें। ये दबाव दिया था मैंने, यहाँ ऐसा हुआ था जब मैं यहाँ आया सबसे पहले, घटना बताता हूँ। तो गोदगा जी के एक दोस्त थे, बैठे हैं हमारे बाबू चाचा यहीं बैठे हैं हमारे अध्यक्ष, तो उनके यहाँ सिलाई की का काम होता था, मशीनें चलती थी। तो उनने कहा कि यहाँ 100 मशीनें रख दो और विधवाओं सबसे कहो गए मशीनों की ट्रेनिंग दो चलाएं, और जो वो सीख जाएं तो एक मशीन उन्हें दे दो, और ऐसे सब विधवाओं को लाएं। कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया, बहुत बताया। मैं कह गोदगा जी इन बातों में जाने दो, मैं इस हॉल को मुमुक्षुओं से भर के बताऊंगा, तत्व ज्ञान चर्चा से भर के बताऊंगा। आप जरा धैर्य तो रखो, थोड़ा समय तो दो, जिस काम के लिए आपने बनाया है। क्यों विदय जी बाबू, गुरुदेव सोनगढ़ में कितने वर्ष रहे, कितने रहे, 45 है। मुझे भी इसमें रहते हुए 45 वर्ष हो गए, दशहरे के दिन उत्तम चंद जी 45 हो जाएंगे। पर्यूषण में आया था उसके पहले, तब भी मैंने इसमें प्रवचन किए थे, तो ये आएगा ना 10 लक्षण परम, उस दिन मेरे 45 वर्ष हो जाएंगे पूरे पक्के। अब जितना जिंदा रहूँगा वे उतने ज़्यादा होंगे। हाँ क्या कह रहे हैं, हमें गुरुदेव से आगे, अरे गुरुदेव से आगे कौन निकलेगा। और गुरुदेव तो ये चाहते हैं, गुरुदेव के मुँह से ये नहीं सुना कि मेरा कोई शिष्य मेरे पहले मोक्ष चला जाए तो मुझे बहुत खुशी है। निहाल जी के बारे में कहा था कि नहीं कहा था, तुम्हारे कितने क्षुद्र दिमाग हो गए हैं। जब लोग वहाँ ऐसा कहते थे कि हम सब पूज गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे,
तो मैंने गुरुदेव की उपस्थिति में कहा था हमें ये बात मंजूर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है मंजूर? इसलिए कि वे तो तीर्थंकर होने वाले हैं, वे सुरंग में जाएंगे, सागरों पर्यंत वहां रहेंगे। क्यों? फिर आएंगे, फिर जाएंगे। हमें सागरों पर्यंत संसार में रहना स्वीकार नहीं है। क्यों? तो जिसको सागरों पर्यंत संसार में रहना स्वीकार हो वो आत्मार्थी नहीं हो सकता। क्यों? बोले ऐसी कैसे करेगा? अब मैंने तो 12 भावना में लिखा है, पढ़ भैया क्या वो साथ की भावना संसार का कारण है और एकत्व की भावना मुक्ति का कारण है। पंक्ति याद है किसी को? मनुष्य ने लिखा साथ की भावना ये संसार का कारण है और अकेलेपन की भावना ये मुक्ति का कारण है। ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाना पाएगा, यदि एकाल की चल पढ़ा नहीं तो यहीं खड़ा रह जाएगा। आप गजब तो देखो, इसे मोक्ष में भी टोले के साथ जाना है, पूरा टोला के साथ जाना है। ये तत्व ज्ञान क्या है? ये राग का प्रकार है। देखो आगे पढ़ते हैं, कहां से पढ़ रहे थे भैया? वो बनारसी दास का तो क्या ना, ये लोक अरु पर लेख से मेरा ना कुछ संबंध है और भिन्न पर से यह एक चिल्लोक ही मम लोक है। ये चिल्लोक क्या है? देखो मैं नहीं लिख रहा हूं, ऊपर संस्कृत में है मूल चिल्लोक शब्द। इस लोक की दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है चिल्लोक। सुना कभी? है ना राजन जी, चिल्लोक ही, ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। मैंने 12 भावना में लिखा है, जिस में झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। है ना, लोक भावना में पढ़ना। क्या कौन है लोक? क्या है? जिसमें 6 द्रव्य एक साथ झलकें ऐसे भगवान आत्मा को लोक कहते हैं। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, राजवार्तिक में है, यस्मिन षट द्रव्याणी लोक्यन्ते लोक्यन्ते सह लोका, राजवार्तिक में है। एक एक शब्द आगम आगम में से है, कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कहाँ से वो दिमाग में घुसा है। और इसमें ही लिखा ना चिल्लोक, तो कौन सा है? चिल्लोक की परिभाषा क्या है? मेरा त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा जिसमें लोकालोक स्वपर प्रकाशक है, वो भगवान आत्मा मेरा लोक है। अब उसका वियोग का मुझे कोई डर ही नहीं है। 10 प्रकार के परिग्रह को मैं अपना लोक मानूं तो मुझे उसके वियोग का डर है। कि तुम कहाँ जाओगे? कि मैं तो अपने आत्मा में जाऊंगा, मैं नरक और स्वर्ग जाने ही वाला नहीं हूं। क्यों? अदा न स्वर्ग वास ही नीको नाही बिन समकित के बीरा, और नरक वास भी नीको है यदि समकित सहत हो बासा। कहाँ है अपना अपना ये कहाँ है कि मुझे नरक का भय और स्वर्ग का लोभ कहाँ है? नरक के दुख तो तुमने बहुत सुने हैं। कहते हैं संजीव ने स्वर्ग के सुख सुख दुख बताओ ना, स्वर्ग के दुख कितने हैं? ये जो ऐरावत हाथी है ना, तो तुम्हारा आता है ऐरावत हाथी, ये तिरंत गति का नहीं है, ये देवगति का जीव है। और ऐसे हर समय ऐसे ही हाथी घोड़ा बनना पड़ता है जब जो कहो, और उससे उसे कितनी तकलीफ होती है। उसका बस चले तो फेंक दे रहे इंद्र को भी अपने ऊपर बैठने दे रहे। क्यों? अभी हम अपन लोगों में से यहाँ कोई कहो कि साहब आप यहाँ वैसे घोड़ा बन जाओ और जैसे बच्चों के बन जाते ना, हम तुम्हारी पीठ पे बैठते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं अपने दादाजी की पीठ पे और दादाजी लेके चलते हैं, हाँ घोड़ा घोड़ा, वो बच्चा कहता है ऐसा तुम बनो और हम बैठते हैं, ऐसा करो हाल में क्या बैठते हो हाल में, कोई तैयार है घोड़ा बनने का? और मर के अभियोग जाति के देव हो गए तो
साधनों पर्यंत घोड़ा बनना पड़ेगा। और अपनी बिल्कुल सेवा भावी अत्यंत अनुकूल, जिसका आप एक मिनट को भी वियोग नहीं चाहते हैं, ऐसी पत्नी का स्वर्ग वास हो जाए तो कितना दुख हो सकता है। वो तो दुख की इकाई बांधो, मन एक किलो दुख होगा, समझ लो, दुख किलो से नहीं नापा जा सकता, लेकिन मान लो कि ऐसी अपनी बिल्कुल असर्वानुकूल पत्नी जो झगड़ती है लड़ती है, वो उसकी छोड़ दो, 24 घंटा सेवा में हाजिर रहती है, वो एक पत्नी का वियोग हो जाए तो हमें कितना दुख होगा, एक किलो, ठीक है। तो वो तो हमें जिंदगी में कदाचित एक दफे भोगना पड़ेगा, यदि हमारी आयु कुछ ज्यादा हुई हो पत्नी की कम हुई तो, बस हो सकता बच भी जाए उससे, हम चले जाए पहले, हो सकता क्या, नहीं हो सकता, बोलिए अपन को इस मनुष्यभव में। अब उस सौधर्म इंद्र को जिसको तुम महासुखी मान रहे हो, इससे भी ज्यादा अनुकूल पत्नी क्यों, का वियोग का दुख कितनी बार उठाना पड़ता है एक जिंदगी में, बोलो पद्मनी, 40 नील, ये नील क्या होता है, हमारी समझ में नहीं आता नील क्या होता है, सुनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पर नील आपको समझ में आई ना, वो नील, और कितने नील, 40 नील, उसकी पत्नियां मर जाती हैं उसकी एक जिंदगी में, इतना पत्नियों के वियोग का दुख उसे भोगना पड़ता है। पर आप एक कहोगे फटाफट दूसरी आ जाती है, तो ये मैं पूछता हूँ, फिर वो तुम्हारा पत्नी के प्रति प्रेम कहलाया कि उसकी पूर्ति हो जाए तो तुम बस मत, क्यों, जिस पत्नी को ये पता चले है कि ये पति मेरा एक दिन भी नहीं रुकेगा और दूसरे दिन शादी कर लेगा मेरे मरने के बाद, उसे भी तुमसे कितना प्रेम रहेगा, क्यों, जैसे तो मेरे इंतजार में ही है, मेरे तो मरने का इंतजार कर रहा है, क्यों, आप सोचो। अब वो कहता है वो बन गई भूत, कौन, पहली पत्नी, और दूसरे फटाफट महीना भर के भीतर शादी कर ली दूसरी, तो पत्नी आई किसी के माथे में और कहा तुमको एक महीना भी चैन नहीं पड़ी, तुम मुझे क्या समझते हो, कि भाई तुझसे इतना प्रेम करता था कि तेरा वियोग में एक महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सका, एक प्रेम का प्रतीक है अप्रेम का, क्यों, बोलो, अब समझना, और ऐसे कितने कितने दुख हैं देवगति में, ऐसे ऐसे कितने कितने दुख हैं, आप समझ में आए ना, और एक दुख है। अब दूसरा और बताऊं, मोक्ष में किसे पहले जाना है, ये चक्रवर्ती, ये पट्टरानियों की बात है, मुख्य सचियों की, बाकी देवी देवियां तो बहुत होती हैं उनकी बात नहीं है, तो वे सब पुरुष बन के और मोक्ष चली जाती हैं, कितनी, 40 नील, और जे यहीं बैठे रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, है ना, रत्नों की वर्षा करते हैं, कहीं ये करते हैं, कहीं वो करते हैं, कि दरवाजे पे आगे नाचते हैं तीर्थंकरों के, ये सब क्या है, ये यहीं नाचते रहते हैं और वे मोक्ष चली जाती हैं, बोलो, अब सौधर्म बनना बनना के सच्ची वे कहते हैं मेरा तो चैतन्य लोक है, ना मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, ना मुझे नरक लोक चाहिए, ये जगत का लोक से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ये लोक अर पर लोक से मेरा न कुछ है। अरे भिन्न पर से एक चिल लोक ही मम लोक है, जब जानते यह ज्ञानी जन तब
होए क्यों भय बीते वे देतो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। कि जब ज्ञानी जन ये जानते हैं तो वे काय को भयभीत हो। अरे जिन संयोगों को बदलना है तो बदल जाए ना, ये संयोगों को जिनको बदलना है वे बदल जाएंगे। क्यों साहब, हम आपका प्रचार नहीं सुनेंगे तो मत सुनना ना, हम तुम्हें कभी बुलाएंगे नहीं तो मत बुलाना ना। क्यों, क्योंकि हाय हमें बुलाने वाले बहुत है। अरे इसकी क्या जरूरत है, नहीं बुलाएंगे तो शांति से घर में रहेंगे ना। क्यों, ये संयोग तो बिखरने ही वाला है। 2 साल पहले बिखरा गया, 2 साल बाद बिखरा, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, सोचो गंभीरता से। ये कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये सच्ची बात कर रहा हूँ। शांति सुख शांति का उपाय एकमात्र यही है। इन संयोगों के पीछे ये संयोग बिखरना जहाँ ये संयोग, अरे ये संयोग तो बिखरने के लिए ही बने हैं। इनमें एक्सपायरी डेट उसके साथ में लिखी आती है। जो दवाई बनती है उस दवाई पे उसी दिन एक्सपायरी डेट लिखी आती है। तो अपन जब माँ के पेट में आए थे ना, उसके पहले अपने पे एक्सपायरी डेट लिखी थी। और तुम पढ़ पाओ चाहे नहीं पढ़ पाओ, ज्योतिषी लोग पढ़ लेते हैं ना, और जैसे हाथ में पढ़ते हैं तो हाथ में लिखी है ना, चेहरे से पढ़ते हैं, चेहरे में लिखी है। कुछ लोग हमारी चाल से पढ़ लेते हैं। क्यों, वो चले गए, हमारे कमिश्नर साहब आए थे तो 2-4-10 उदाहरण ऐसे बताते थे कि फलाने जोशी ने ये बता दिया था, बिल्कुल ऐसा ही निकला, बिल्कुल ऐसा ही निकला, बिल्कुल ऐसा ही निकला है। जो एक बताते हैं हमारे अशोक भाई है ना सिंगापुर वाले, कि एक ऐसा वैद्य है गुजरात में कहीं कि आप ऐसे चल रहे हो बाबू भाई और तुम्हें पीछे से देखे तो वे तुम्हें क्या बीमारी है बता देता है। आपको पता है ऐसे वैद्य का? क्यों अमृत भाई, वो अशोक भाई बताते थे और कभी कभी उसके पास जाते भी थे, गुजरात में है कहीं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि साहब आपको आपका क्या है कहना, सच्ची बिल्कुल 100% सच्ची होगी। क्यों, मेरा तो ये सिद्ध होता है कि भविष्य जाना जा सकता है, इसका मतलब भविष्य नक्की है। मेरे से क्रमबद्ध बजाय सिद्ध हो गई, मैं क्यों मना करूंगा? क्यों, मेरे लिए तो उदाहरण है बढ़िया। तुमने जान लिया और तुमने मान लिया कि कोई जान सकता है, तो कोई आदमी 10 साल की जान सकता है तो कोई आदमी मेरे पास, मेरे घर, मेरे पास तो नहीं, मेरी पत्नी के पास यहां एक आदमी आया, वो मेरी कुंडली मानता था, उसे देखना है, ये देखना होगा कि मैं कब मरने वाला कि ये देखना होगा कि मेरे क्या क्या होने वाला है, हैं? क्यों, इन लोगों को पहलोक में मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है, सुदशा जो भी उसकी भावना हो, लेकिन मेरे पास नहीं है, नहीं तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो उन्होंने याद आया तो बताया कि वो अभिनंदन ग्रंथ है ना, उसमें शायद कोई कार्य ऐसा लेख है, उसमें जाके देख लेना तुम। अब ले गया होगा, नहीं 2-4 दिन पहले ही, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, तुम अपना देखना है। क्यों भाई, हम तो है चाहे लाखों वर्षों तक जीवूं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, हम तो रोजाना इसकी भावना भाते हैं, आज आए तो हम आज मरने को तैयार हैं, वो आ जाएगा तो ये नहीं कहेंगे कल आना, कि फिर कुछ तो कह दो ना सबसे, जो कुछ कहना है रोजाना कहते ना अपने बाल बच्चों से, अरे साल में 10 दफे कहते हैं कि तुम्हारा एक यही काम आएगा, चाहे जितना पैसा परिग्रह जोड़ लेना, वो कुछ तुम्हें सुख शांति देने वाला नहीं है। 1 दफे नहीं 50 दफे कहते हैं अकेले में, प्रवचन में भी कहते हैं, इसमें रहोगे बेटा, इसे समझोगे तो यही सुख शांति का मार्ग है, कोई दूसरा नहीं। जो सबसे कहते हैं वो उनसे कहते हैं, और हमें कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका में हमारी ऐसी पोजीशन हो गई थी तो हमसे तो कोई क्या कहता, हमें तो, लेकिन पत्नी से कहा कि खबर कर दो बच्चों को, इसको बुला लो, उसको बुला लो,
डॉक्टरों ने कह दिया, मैंने किसी को नहीं बुलाना, मैं हूं ना, क्या लिख के ले, मैं लिख के देती हूँ ना, क्या लिखवाना है तुम्हारे लिए। मैं बहुत, हम सब तैयार हैं, हम दोनों तैयार हैं, मरने को, जीने को, अकेले जीने को, साथ साथ जीने को। सचमुच एक दिन की भी तमन्ना नहीं है कि अब जिए, इस लोक का जो स्वरूप देखा है, और 100 वर्ष तक जिए तो उससे अत्यंत अरुचि भी नहीं है। क्या देखो क्या लिखा है इसमें, जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत बे, कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये वियोग जाने वाले जावे ना, बे तो सतत जो निरंतर निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें कि मैं तो त्रिकालीद्र भगवान आत्मा हूं और मैं उसका अनुभव करें। ये पंक्ति 6 दफे आएगी, हाँ देखो देखो पंक्ति में हर एक में आएगी, देखो कौन सी, बे तो सतत निशंक हो निज भाग ज्ञान का अनुभव करें, क्यों आएगी साहब, ये रिपीटिशन नहीं है, मैं क्या करूँ, अमृतन से कहो उनकी में देख लो, निशंका सततम स्वयं च सहजम ज्ञानम सदा विंदती, उनकी भी 6 दफे आई है, उनने भी 6 दफे लिखी है एसएलएस भाई, कि मैं तो उसका वेदन करता हूँ, कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, कि मेरा ज्ञान स्वभाव मेरा जहाँ जाने वाला है मैं वहाँ जाऊँगा। जब 1965 में लड़ाई हुई थी ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो लाल बहादुर शास्त्री वाली, तब मैं उस साल सिर्फ वो मैनपुरी मेरे परिश्रम था, तो मैनपुरी में अशोक नगर से रवाना हुआ, तो मैंने कहा ग्वालियर तक अपन चले जाएं बस से और फिर आगे वहाँ जाएंगे उससे चले जाएंगे, तो बस से चला दोगे ये शिवपुरी रास्ते में आएगी, और शिवपुरी में डाकुओं का बहुत भय था, कैसा वो डाकू पकड़ देते हैं और ये कर लेते हैं, और आप ऐसा मत करो, आप उधर से चले जाओ रेल से, लेकिन रेल से टिकट वगैरह मिलेगा नहीं, बीना पे बदलनी पड़ेगी, धक्का खाने पड़ेंगे, उस वक्त ऐसा कुछ होता नहीं था, मैं गया तो लोग बोलो नहीं माने बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा क्या करेंगे कि वे पकड़ ले जाएंगे, तो मैं पकड़ ले जाएंगे तो मैं उन्हें सुनाऊंगा, मेरा क्या करेंगे, मैं उन्हें सुनाऊंगा और क्या होगा। लेकिन फिर मुझको तो आज तक, मैं वहाँ के सेठियों से कहता था कि मैंने तो उन डाकुओं के आज तक हस्ताक्षर भी नहीं देखे, अरे आपके पास चिट्ठियाँ आती हैं ना, एक मुझे भी बता दो ना, क्या आई नहीं मेरे पास तो कोई चिट्ठी, क्यों, वो चिट्ठी जो डाकुओं वाला माल जिसके पास हो उसके पास आएगी ना पिता। मुझे तो जिनको प्रवचन सुनना है वही बुलाएंगे, कौन है ना, तो ये आएगी कौन सी, बे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें, ये 2 भय हो गए, अभी चलो तीसरा बोलो भैया, ये कैसे है, बोलो बोलो, ज्ञान स्वयं वेद्यते निर्वेदोदित वेद्य वेदत वलात् एकं सदा नाकुलै नैवान्यागत वेद नैव वेद तद्धि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्का सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति चूंकि एक अवेद नके भाव हो अतीर ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे अनवेद ना कोई है नहीं तब हो क्यों भयभीत वे वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। देखो वेद वैदक भाव निश्चय से अभेद ही होते हैं, अपने ही भगवान आत्मा वेदक, वेदक है माने अनुभव करने वाला, और वो ही वेद्य है, वो ही अनुभव में आने लायक है। ये विद धातु ज्ञान के अर्थ में होती है, वैसे तो जानने के अर्थ में ही होती है, लेकिन जो जानाती ज्ञा धातु है इनको तो हम जानने के अर्थ में प्रयोग करते हैं, और विद धातु को जानने के साथ
भोगना साथ में, इन दो चीजों के मिक्सचर में हम विद धातु का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसे वेदना बोलते हैं। वास्तव में तो वेदना माने जान नहीं है, अनुभूति पूर्वक जानना, उसका नाम वेदना है। समझे ना, वेदन माने जान नहीं है मुख्य रूप से, तो विद धातु का ज्ञान है, ऐसा ही अर्थ लिखा है शास्त्र में, लेकिन उसमें अनुभव साथ में सुना है, जुड़ा है। तो वो कहते हैं कि वेद वेदक भाव तो मेरा पर के साथ है ही नहीं, पर के साथ जो वेद वेदक भाव है उसकी बहुत चर्चा की है समय सार में, और उसमें क्या क्या लिखा है कि वेद वेदक भाव कभी मिलते ही नहीं। याद है ना, कहाँ आता है, वहां आता है कि वो कहते हैं कि जैसे तेरे मन में कोई भाव आया भोगने का, भोगना माने क्या है आप जानते हैं ना, ज्ञान और सुख, इन दोनों गुणों के मिक्सचर का नाम है भोगना। दुख भोगे था सुख भोगे, ख्याल भोगना उसे ही बोलते हैं ना, और भोगे माने जाने। तो वो कहते हैं कि ये पर पदार्थों के वेदन की जो तू बात करता है तो वो तो कभी मिल ही नहीं सकते। जब तेरे को भोगने का भाव होता है तब वो भोग पदार्थ सामने नहीं होता, और जब वो पदार्थ सामने आता है तब तक वो भोगने का भाव खत्म हो जाता है। तो इनका मिलान कभी होता ही नहीं, इसलिए बिल्कुल निरर्थक है। इस बात को सुनाने के लिए, समझाने के लिए मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, वो उदाहरण में आपको बताता हूँ। बुढ़ापे में शादी करी उसने, तो लोग क्या करता है, क्या करता है तू, अब क्यों करता है शादी बुढ़ापे में, तेरे घर में चार चार बेटे हैं, चार चार भुए हैं, सब सेवा भाभी हैं, सब तेरे समय पर खाना पीना सब दूर घर में तेरी, पुराने जमाने में मतलब कि क्या करूँ, रोटी कौन बनाएगा कौन खाएगा, ऐसी समस्या थी, वो बड़ी समस्या थी। घर में चक्की भी महिलाएं पीसती थी, वो आदमी बेचारा अकेले मतलब चक्की भी पीसे, मैंने बहुत बड़ी समस्या होती थी। आप तो आज आपको मजाक लगता होगा, वो आदमी अकेला रह जाए तो उसे अपना घर चलाने के लिए घर को लीपना पोतना और कितना कितना काम होता, रोटी बनाना भी कितना महासंग्राम था, क्योंकि वो कंडे से वैसे अग्नि जला के बनानी पड़ती थी, और बरसात में लकड़ी गीली हो जाती थी, और उसको जलाने में सारे मैंने देखे हैं अपने आँख से नरेश जी। अब तुम तो बड़े बड़े शहरों में पैदा हुए, वहाँ रहे, तुम्हें क्या देखो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पापा ने देखे हों तो देखे होंगे, पूछना उनसे कभी। बहुत बड़ी समस्या थी वो। अब जिसके घर में सब सामने परिवार है, बहुएं अच्छी हैं और सब तरह की सुविधा है, फिर उसे क्या दिक्कत है, उसने क्यों कर रहा है शादी, पिताजी सुनाते थे, तो उसने कहा मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। उसे बुलाया, उसके सामने बहू को बुलाया, बेटा मुझे मूंग की दाल के पकौड़े बड़ी वो खाना है, वो भी जो वो बना गलाना बनाना पड़ता, मैं नाम नहीं जानता वो क्या चीज़ बनती है, वो चीज़ बताई उसने कि मुझे एक खाना है, कहाँ पापा बन जाएगी। फिर उसने वो उड़द गलाई, दाल गलाई और गला करके फिर दूसरे दिन उसे पीसी, फिर और किया, ऐसा जो भी प्रक्रिया करनी थी उसने सब करी, वो तीसरे दिन पकौड़े बन के वो आके खाने को। अब बोले देखो आने ना, अब तेरे को क्या जरूरत है, बोले ये जरूरत है कि एक बात मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कही थी, क्या कि मुझे ये खाना है, तो वे उसी दिन बन गए थे दो घंटे बाद। कि कैसे बन जाएंगे वे, वो तो इतना गलानी पड़ती है कि ये करना पड़ता है ये करना पड़ता है, इतने साल तो बन कैसे जाएंगे। बोले घर में बड़ी बड़ी पापड़ बड़ी होते ना, बड़ी समझ गया, वो बड़ी रखी थी, वो सब पिटी पिटाई घनी भुनी भुनी, तो उन्होंने फटाफट उसको गलाया और ये बना बनू करके, और मेरे को जब खाने की थाली पे गया तो वो चीज़ बनी बनाई तैयार थी, इसलिए मैं नहीं करूँगा। अपन को बहुत हंसी आती है इस बात पर, हंसने जैसी बात भी है कि सिर्फ पकौड़े खाने के लिए शादी करेगा, लेकिन जिसको भाई साहब जिंदगी खाने के लिए ही मिली है और जिसको यही सर्वस्व है, यही सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख की जिसको खबरें ही नहीं है, जिसको एक एक मिनट ये पांच इंद्रिय के भोगों में ही सुख दिखता है, तो सारी अनुकूलताएं चाहिए, सारा परिग्रह लुट जाए, क्यों
अभी मैं वर्तमान का सुनाना नहीं चाहता हूं, वर्तमान का भी मेरा बिल्कुल ताजा उदाहरण भी मेरे पास है। क्या कि सिर्फ सुबह से जो मुझे खाना पीना है जिसका मैं शौकिया हूं परमात्म, बस वो चीज मिल जाए इसलिए भी लोग शादी कर सकते हैं 60-65-70 वर्ष की उम्र में। कि अभी मेरे अभिन्न मित्र ने, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं बनती थी उसके बिना, जानता है तुम कई लोग जानते हैं जो मेरे बैठे दोस्त हैं, समझ गए, ये कोई असंभव नहीं है इस संसारी जीवों के लिए, क्योंकि अरबों की संपत्ति करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, इस मुफ्त में ही छोड़ जाना है ना, तो इस भाव में क्या फर्क है उससे मिले या किसी को मिले, ये सभी एक से है ना, क्या फर्क पड़ता है अपन को। लेकिन दो रोटियां पकौड़े मकोड़े तो मिलते रहेंगे अंत तक उनसे एक कहते हैं भाई ये संयोग जो है ये कभी होते नहीं, वो तेरी पत्नी ने बना के दिए बेबी, 2 घंटे लगे ना देते बेटक भाव का मिलान कहां होगा, वो सिर्फ दूरी कम हुई, समझना। एक एक चीज में तुम सोचना कि जब आपको भाव होता है उस तरह का तब वो संयोग नहीं होते हैं, और जब वो संयोग होते हैं तब तक आपका भाव गायब हो जाता है और दूसरे विकल्पों में आप उलझ जाते हैं। इस संसार में समय सार में लिखा है, कल से मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कि वेद वेदक भाव कभी मिलते ही नहीं। क्या और मिलेंगे तो कब मिलेंगे, कि मैं ही वेदक और मैं ही वेद, तो वो हमेशा मौजूद है उधर, और वो वेदक भाव भी वही मौजूद है। तो जिसने वेद वेदक भाव अपने आत्मा में ही घटित किया है, भाई पदार्थों को वेदिक के रूप में रखा ही नहीं है कि मुझे उनका वेदन करना है, क्या और उसको वेद वेदना का भय नहीं होता कि शरीर में होगी तो होती रहेगी, हमें क्या लेना देना, हमारी थोड़ी है, ऐसा होता है जब पता पड़ता है। क्या देखो इसमें लिखा, मैं नहीं कहता हूं, चूंकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हूं, एक अकेले आत्मा में ही वेद वेदक भाव होता है, हम अपने को ही भोगते हैं। ज्ञान वो निकाल दिया ना, हाँ निकाल, लाओ 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 दो, राजेंद्र जी ने निकाल दिया, वो 143 में कलश है, अरे चलो 47 जे बीन ने निकाल दिया ना। देखो हम जिने चाहे अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव सब, बस इसलिए सबके प्रति अति विरक्त रहे सदा, चाहे न कुछ भी जगत में निज तत्व विद विद्वान जन। क्लियर लिखा है ना, देखो संस्कृत में है, वेद वेदक विभाव चलत्वात् वेद्यते न खलु कांक्षितमेव तेन कांक्षति न किंचन विद्वान सर्वतोपति अभिद्रक्तिम पैति, संस्कृत में लिखा है, इनका मिलान कभी होता ही नहीं है। देखा ना, हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे, कौन वे वेद पदार्थ नहीं, वे वेदक भाव भी। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि जब दांत थे तब चना नहीं थे, और जब चना मिले तब दांत नहीं है, क्या करें, आज तो नकली दांत बन जाते हैं, क्यों सारी जिंदगी जब हम जवान थे और ऐसी ताकत थी कि पत्थर खाएं तो पच जाए, तब रूखी रोटियों की व्यवस्था भी नहीं होती थी, क्यों अभी इस जमाने में भाग्य से 99% लोगों की ऐसी स्थिति थी, सब जीरो से हीरो बने, बस थोड़ा थोड़ा पीछे हरेक को देख लो, क्यों कौन कहाँ स्थिति थी, कौन कहाँ क्या करता था और क्या पोजीशन थी, ख्याल में आई ना।
अनंत भाई हमें बताते हैं उन्हें 300 रुपये महीना से नौकरी शुरू की थी। एक एक का सबका देख लो भाई साहब, मैं एक की बात नहीं कहता हूँ, सब अपना अपना देखे ना। वे तो बहुत बड़े आदमी बन गए इसलिए मैंने उनका उदाहरण दे दिया, कोई बुराई के अर्थ में तो दिया नहीं। हम सब की यही हालत है ना। तो ये कहते हैं हम जिन्हें चाहें, अब वो जब हमारे पास ऐसी ताकत हो गई कि दिन भर हम घी में डूबे रहें तो डूबे रह सकते हैं। क्यों? तब घी 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 इतना घी नहीं लगा सकते, तो रूखी रोटी खाते दिन भर। क्यों? ये नहीं, शक्कर नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। जब सब भोग सामग्री है तब भोग नहीं सकते, और जब भोगने की ताकत थी तब भोग सामग्री नहीं थी, क्या करें। बोलो बढ़िया, हम ये पार्टी देंगे, सबको बुलाते हैं, 50 तरह के मिष्ठान और सारी व्यवस्था करते हैं। आजकल तो कितना कितना कितने रुपए थाली में, तुम्हारे बेटे की शादी में कितने रुपए थाली दी थी? हैं, हजारों में। तो हमारे भी पोते की शादी हुई, 1000 रुपये थाली, 800 रुपये थाली। थाली क्या हो रहा है, थाली में सोना परसेंगे क्या? तो दीन बेटों ने क्या करें, अपन तो दूर खड़े रहे क्या करें। क्यों? कौन खा सकता है पना उनको? खून का कोई है जिसने सब खाए हो? कुछ नहीं, हरी जाता है खत्म, सेठ जी की शान रह गई। कितने की थाली थी, कितने की थाली थी? क्या है जी? वो कहते हैं अभी जब हमें सबकी ऐसी पोजीशन है, मैं कभी कभी कहता हूँ बहुत पवित्र भाव से कि ये विचार करो आप अपने हृदय में कि आप ऐसा कौन है आज हम और आप में से कि यदि हम आज से एक नया पैसा नहीं कमाएं तो जिंदगी भर जैसी हमारी जिंदगी है हम वैसी की वैसी जिंदगी बहुत आराम से बिता सकते हैं। एक भी आदमी यहाँ ऐसा नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूँ काय के लिए, फिर काय के लिए ये सब धंधे बन? वो परिग्रह संज्ञा है ना जो हमें, वो नहीं छोड़ती है। अपन ने एक आहार संज्ञा ही बता पाई थी, इसने वो चला गया बेचारा। कौन सा कहना था उसका? चार वो तो बता दी होंगी ना, चारों संज्ञाएं, परिग्रह संज्ञा भी एक संज्ञा है। इसे जोड़े में ना हमें चैन नहीं पड़ती, हम जानते हैं जैसे ही जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी ये परिग्रह संज्ञा का परिणाम है। हम गंभीरता से विचार करें और थोड़े इससे विरक्त होकर अपने आत्मा का ध्यान करें, इसी मंगल भावना के साथ में रीति दास में।